कि पांडव कहां से ठीक हो गए, पांडवों ने तो अपनी पत्नी को जुए मर्दाओं में लगा दिया था। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है, इसका पूरा सत्य यह है कि राजा के आदेश पे वो सब किया जा रहा था और राज आज्ञा विशेष आज्ञा है। और दूसरा सत्य इसमें यह है कि पांडु के न रहने पर पिता की जगह पर धृतराष्ट्र है, और जब बड़ा कोई आदेश दे रहा है, बड़े घर में कोई है, वो कुछ कह रहे हैं, अगर वो गलत करवा रहे हैं तो उसका दोष उनको जाएगा, आपसे वो सही करवा रहे हैं तो सही का परिणाम आपको मिलेगा। आपके साथ जिंदगी में जो भी घटना होगी, अगर वो गलत है तो उसका परिणाम उस बड़े को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है गलत है, लेकिन अगर सही है तो उसका प्रसाद आपको ही मिलेगा। तो पांडव गलत नहीं थे, पांडव तो राजाज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। पिता के कहने पर तो परशुराम ने अपनी मां का गला काट दिया था। पिता धर्म है, और ऐसे अनेकों दर्शन हैं, और उन्हीं पिता ने अपनी शक्ति से फिर परशुराम की मां का गला जोड़ भी दिया। पिता धर्म है, तो यहां धर्म को निभाया जा रहा था। और उस समय द्रौपदी की स्थिति बड़ी गंभीर थी, वो ऋतुस्नाता थी, उस समय उसके केश खुले हुए थे। और तब भरी सभा में जब ये सब हार गए, तब दुशासन को भेजा दुर्योधन ने कि उसे ले आओ। निश्चित उस सभा में महापाप हुआ था, उस सभा में महापाप हुआ था, लेकिन दर्शन ये था कि कभी कभी धर्म की जो दीवारें होती हैं वो इतनी ऊंची होती हैं कि उसके अंदर जो होता है वो उसी की आड़ में होता है। तो वहां किसी का कुछ ना बोलना भी धर्म था, लेकिन असल में वो अधर्म था। तो उसका परिणाम सबको अलग अलग हिस्सों में मिला। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, भीष्म पितामह को सैया पर, बाणों की सैया पर सोना पड़ा, विदुर को बाहर जाना पड़ा, कौरवों को मरना पड़ा। कौन बचा बाद में? सिर्फ वे जिन पर राम की कृपा थी, अर्थात कृष्ण जिनके साथ थे, पांडव बचे और कोई नहीं बचा। जीवन में अच्छा बुरा सबके साथ होगा, अच्छा बुरा सब करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो ईश्वर के साथ है, जो ईश्वर को साक्षी मान के अपने जीवन को जी रहा है, वो दोष रहित है, उसके उसके जीवन में आनंद है। पांडवों ने कितनों को मारा? लगभग 9 करोड़ लोग तो अकेले अर्जुन ने मारे थे, 9 करोड़ लोग उस युद्ध में। क्या उसको दोष लगा? नहीं, क्योंकि कृष्ण साथ में खड़े थे। 10 करोड़ लोग भीष्म पितामह ने मारे थे उस युद्ध में, टोटल 160 करोड़ लोग मारे गए थे उस समय। 320 करोड़ की आबादी का दर्शन है तब पूरी पृथ्वी पर, विचार कीजिए, सोचिए क्या रहा होगा उस समय का मंजर, कैसी स्थिति रहेगी, रही होगी, कैसी उपस्थिति रही होगी। तो उसे समझिए और जानिए। तो उस कक्ष में से बालों के समेत खींच कर जब दुशासन द्रौपदी को ला रहा है, तो वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, चिंगार रही है, मुझे बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो। लेकिन आज भरी सभा में सब मूक बधिर हैं, ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, क्योंकि सब राजाज्ञा में बंधे पड़े हैं। इसलिए इस पूरे पाप का सबसे बड़ा दंड अगर किसी को मिला तो वो धृतराष्ट्र को ही मिला था। 100 पुत्र पौत्र उनके अलावा और सब खत्म हो गया। तभी तो विदुर ने एक बात बहुत कटाक्ष किया था। विदुर बैठे हैं तो द्रौपदी गांधारी और जब धृतराष्ट्र को भोजन देकर गए भीम आदि, तो विदुर ने कटाक्ष कर दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम यहां वैसे ही जी रहे हो जैसे कुत्ते को भोजन दे दिया जाता है।
और बस इस एक शब्द ने धृतराष्ट्र की जिंदगी बदल दी। वो जान गया कि विदुर क्या कहना चाहते हैं। विदुर ये बताना चाहते हैं कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, अभी भी तुम जीवित हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीवन मिलना चाहिए, अपने बच्चों को मरवा दिया तुमने अपने हट में। और उसी रात धृतराष्ट्र और गांधारी वहां से निकले और हरिद्वार पहुंचे और कुटिया में बैठ के आत्मदाह कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हर घटना के पीछे एक विशेष दर्शन है। जब द्रौपदी ने सबसे गुहार की कोई बचाइए, लेकिन उस सभा में किसी के पास सामर्थ्य नहीं था। फिर मैं कहता हूं सब राजाज्ञा और धर्माज्ञा से बने हुए थे। हमें कई बार धर्म बड़ा जटिल, बड़ा कठिन, बड़ा क्रूर दिखता है, लेकिन असल में धर्म क्रूर नहीं होता, ना जटिल होता। धर्म हमेशा न्याय करता है। हो सकता उस समय तुम्हें न्याय ना दिख रहा हो, लेकिन धर्म हमेशा न्याय करता है। उस सभा में अन्याय जरूर हुआ था, लेकिन कहीं न्याय छुपा हुआ था। क्या न्याय? हर किसी को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। हे कृपाचार्य मुझे बचाएं, हे भीष्म मुझे बचाएं, हे पितामह मुझे बचाएं, कोई नहीं बचा रहा। हे विदुर मुझे बचाएं। आप जानते हैं उस सभा में, जिस सभा में ये सब हुआ था, उस सभा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? सबसे शक्तिशाली उस सभा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई था तो वो थे विदुर, धर्मराज। उनसे ताकतवर कोई नहीं था, इसलिए वो युद्ध भी नहीं लड़े थे, वरना मामला कुछ और होता। तब द्रौपदी को लगा कि कोई नहीं, तब वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। तब जाके उसने श्री ठाकुर जी को, भगवान श्री वसुदेव को, गोविंद को याद किया। क्योंकि जब दुख भारी हो जाता है, जब संसार कोई काम नहीं आता, तो फिर संसार बनाने वाला ही काम आता है, क्योंकि उसके अलावा फिर जब किसी के, कहते हैं ना, अब छोटे मोटे डॉक्टर के हाथ का केस नहीं, अब तो बड़े के पास जाएगा, तो आखिर में सुप्रीम के पास गुहार पहुंची।